हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के साथ ग्रीन टी फेस मिस्ट की एक रेसिपी लेके। जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों के हर एक लाइक कॉमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो चलते हैं मेन वीडियो पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक कप मेजरमेंट के लिए, और वहाँ पे मैं अब ले रही हूँ एक कप गर्म पानी। पानी बहुत अच्छे से गर्म ही होना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे जो गर्म पानी है, इसे धुआं उठ रहा है, मतलब इतना गर्म लेना है आपको। तो वहाँ पे अब मैं लूंगी ग्रीन टी के दो बैग्स। अगर आपके पास पत्ती है तो कोई बात नहीं है, पत्ती भी आप इसमें डाल सकते हैं। पत्ती को सिर्फ छान लेना है, और अगर टी बैग्स डालते हो तो उसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको ओवरनाइट तक इसको भिगो के रखनी है, मतलब 8 to 10 hours तक आप भिगो के रखेंगे तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ग्रीन टी में बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती है, और ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। और उसके साथ साथ जिन लोगों का ऑयली एक्ने स्किन होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है ग्रीन टी, क्योंकि ये सीबम को रिड्यूस करते हैं। इसलिए इसको ओवरनाइट अगर हम लोग रख देंगे तो इसके जो एक्सट्रैक्ट है, इसके जो गुण है, वो पानी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। इसलिए हमारे स्किन को रिजुविनेट भी करते हैं, हमारे स्किन में जो एजिंग के साइन होते हैं उसके भी डिले करते हैं। तो अभी देखिए सुबह हो गई है, और मतलब 8 to 10 hours के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल के आ गए हैं, मिक्स हो गई है पानी के साथ। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये मेरा रेडी है। अब मुझे लेना है एलोवेरा, और वो भी प्लांट का ही लेना है, मुझे एक पत्ता ही लेना है। मुझे कोई भी जो मार्केट में मिलती है वो एलोवेरा नहीं चाहिए, मुझे प्लांट ही चाहिए। और मेरा प्लांट भी देखिए, पत्ता इसमें खाली हो रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, कुछ ना कुछ होम रेमेडी में मेरा लग ही जाता है। तो ऐसे मैंने एक पत्ते को काट लिया है, और इसको बहुत अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, इसलिए अब मेरा एलोवेरा का प्लांट भी थोड़ा कम हो गया है। तो इस पत्ते को रखने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि येलो कलर का एक लिक्विड निकल के आई है, तो वो निकलने के बाद ही हमें डायरेक्ट एलोवेरा को यूज करना है। तो उसके बाद प्लांट को छील लेना है, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट निकालने के टाइम, तो वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तो इसको मैं काट लूंगी, और काटने के बाद एलोवेरा को बहुत अच्छे से, बहुत इजीली मैं इसको निकाल लूंगी। आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको कट कर रही हूँ, तो ये निकाल लूंगी। तो एक स्पून की मदद से मैं यहाँ से जो एलोवेरा का जो ये जेल का पोर्शन है जो हमें लेना है वो ले रही हूँ। अच्छा, बाजार का कोई भी एलोवेरा यहाँ पे नहीं चलेगा, इसको आपको प्लांट से ही लेना है। बार बार मैं बोल रही हूँ, इस बात को ध्यान पे रखिएगा। तो इसको मैं निकाल रही हूँ बहुत इजीली, ये निकल भी गया है। एलोवेरा भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हम सभी जानते हैं। ये बहुत ही कूलिंग होती है, बहुत कमिंग होती है, बहुत सूदिंग होती है, और सबसे बढ़िया हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है। देखिए इतने सारे क्यूज मैं करके रखी हूँ। तो अब इसको मुझे करनी है ब्लेंड, मतलब एक मिक्सी जार पे इसे लेना है। उसके पहले मुझे प्रोपोर्शन सही करनी है, मतलब जितना मैं एलोवेरा का जेल यहाँ पे यूज करूँगी उसी प्रोपोर्शन में मुझे मिलाना है ग्रीन टी। तो अब मैं इसको एक मिक्सी जार में डाल दूंगी, और उसके साथ उसके हिसाब से जितना मैंने एलोवेरा जेल डाला है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे डालूंगी ग्रीन टी। अब मिक्सी जार में एक साथ भी मैंने एलोवेरा और ग्रीन टी को मिला लिया है, और इसमें जाएगा अब मेरा 2 Evion का कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल। आप लेके उसको एक होल करके उसके अंदर जो ऑयल होती है उसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। तो एक साथ मिक्स करके तीनों को मिक्सी में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब देखिए बहुत अच्छे से ये मेरा ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसको छान लूंगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मतलब उसमें दरदरा रह जाए ना, तो वो स्प्रे बॉटल में यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने इसको छान लिया है। तो इसमें अगर कुछ सॉलिड होंगे तो हम इसको अलग कर देंगे।
तो छानने के बाद इसको कुछ नहीं करना है, बस एक क्लीन स्प्रे बॉटल में भर के रख देना है हमको, और दिन में 2 बार अपने फेस को क्लीन करके इसका अप्लाई कीजिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं, जैसे मैंने कहा है, बहुत ही स्किन को ग्लोइंग करते हैं, स्किन को ब्राइटनिंग करते हैं, स्किन को रिजुविनेट करते हैं, के स्किन बहुत अच्छे से मेंटेन होते रहेंगे इसको यूज करने के बाद। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नए किसी ब्यूटी टिप्स के साथ, नए किसी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।